बहुत बड़ा है, इमेजिनेशन को बनाओ इसको। चलिए हम एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, उसमें हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमने जो लेक्चर कवर किया था तो वो पालमपुर विलेज की एक स्टोरी थी, जिसके बाद हमने आपको कई टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट से अवगत कराया जो कि इकोनॉमी से एसोसिएटेड होती हैं, जिनमें मेन स्टे था प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन किन फैक्टर्स के अराउंड ऑर्गेनाइज होती है, हमने इसे बहुत अच्छे से समझा। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम नेक्स्ट स्टोरी को समझेंगे, जिसमें लिखा है पीपल एज अ रिसोर्स। आज हम लोगों को एक संसाधन के रूप में समझेंगे। बहुत कुछ सीखोगे आप इस लेक्चर के वाया, एक एक टर्म आपको आगे जाकर के यूज़ होगी। शुरुआत करते हैं पीपल एज अ रिसोर्स। तो अगर रिसोर्स की फॉर्म में हम देखें तो हमने जो लास्ट लेक्चर के दौरान डिफरेंट फैक्टर्स से स्टडी किए प्रोडक्शन के, उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि हमने एक कैपिटल पढ़ा था, दैट इज़ फिज़िकल कैपिटल। इस फिज़िकल कैपिटल के अंदर हम डिफरेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते थे और उन रिसोर्सेज में कई तरह के रॉ मटेरियल्स आ जाते थे, जिन्हें हम वर्किंग कैपिटल कहते थे। फिज़िकल कैपिटल के अंदर ही दो कैपिटल होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हम कई तरह के रॉ मटेरियल्स यूज़ करते थे। हम वर्किंग कैपिटल में ही मनी यानी कि फंड्स का भी इस्तेमाल करते थे। वर्किंग कैपिटल के अलावा हम फिक्स्ड कैपिटल में कई तरह के टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखें तो उनमें हम लैंड का एज अ रिसोर्स इस्तेमाल करते थे, लेबर को एज अ रिसोर्स इस्तेमाल करते थे। तो ये लैंड, ये लेबर, ये फिज़िकल कैपिटल, इन सबको हमने बतौर रिसोर्स इस्तेमाल किया अब तक। ये सब हमारे लिए रिसोर्सेज थे, चाहे वो लैंड था, चाहे वो लेबर थी, और चाहे ही वो फिज़िकल कैपिटल था। बात ये आती है कि क्या सिर्फ इतने ही रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं? क्या इन्हीं से कोई प्रोडक्शन कर पाना पॉसिबल है? क्या इसके अलावा कोई और रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं करता? हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे कि इनके अलावा भी रिसोर्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो रिसोर्स हैं द पीपल। ये कैसे होता है? देखिए, मेजॉरली सोसाइटीज़ में ऐसा माना जाता है कि जो पीपल हैं वो एक तरह से बर्डन होते हैं, लायबिलिटी होते हैं किन्हीं भी रिसोर्सेज पे। यानी कि क्योंकि ये रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हैं तो दे आर द लायबिलिटी, दे आर द बर्डन ऑन द रिसोर्सेज। किसी भी सोसाइटी की, किसी भी देश की जो वेल्थ है, ऐसा माना जाता है कि ये उस वेल्थ को इनको सर्व करना होता है, द पीपल, उस वेल्थ को इनकी नीड पूरी करनी है। तो ये लोग जो हैं ये लायबिलिटी हैं, जिम्मेदारी हैं। आई बात समझ में? लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें तो ये समझ आएगा कि लोग लायबिलिटी हैं ऐसा नहीं है। हम इसे नेगेटिविटी के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। इकोनॉमी ऐसे फंक्शन नहीं करती। इकोनॉमी में लोगों को लायबिलिटी के बजाय रिसोर्सेज की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वो कहते हैं कि पीपल आर रिसोर्सेज। पर लायबिलिटी ना होके रिसोर्स है, कैसे ये कैसे हो पाता है, उसको समझते हैं बारी बारी। देखिए, एक छोटे से गांव की कहानी से मैं शुरुआत करता हूँ, आपको उसी से पता चल जाएगा कि पीपल रिसोर्सेज हैं कि नहीं। देर इज़ अ विलेज। उस विलेज को हम ये कहते हैं कि वो एक तरह का सेल्फ सस्टेन्ड विलेज था। इट्स अ सेल्फ सस्टेन्ड विलेज। सेल्फ सस्टेन्ड विलेज मतलब कि सेल्फ सस्टेनेबल विलेज है, कि वो अपनी सारी ज़रूरतें अपने ही भीतर से पूरी कर लेता है, अपनी सारी नीड्स को वो खुद ही फुलफ़िल कर लेते हैं। उनको किसी से कुछ एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरे किसी गांव से या शहर से, ऐसा मान लीजिए। इट्स अ सेल्फ सस्टेन्ड विलेज। सभी हाउस होल्ड, सभी फैमिलीज़ इतना को ग्रो करती हैं, इतना को प्रोड्यूस करती हैं और अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं कि अपनी ज़रूरतें खुद से पूरी कर लेती हैं। जैसे कि क्रॉप्स उगाती हैं,
तो भोजन की ज़रूरत पूरी हो जाती है फूड की, और उन्हीं क्रॉप्स में कपास उगा लेती हैं, कॉटन उगा लेती हैं, तो उनकी अपने कपड़ों की ज़रूरत पूरी हो जाती है, थोड़ी सी भेड़ बकरियां रखी होती हैं, वुल की नीड पूरी हो जाती है, फूड की नीड भी पूरी हो जाती है, कैटल रखे होते हैं तो भी उनकी दूध दही घी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। खेतों में कई तरह की ग्रासेस और वुड होती हैं, उनसे उनकी घर की ज़रूरतें, छत डालनी है या और चीज़ें हैं। खेतों में मिट्टी होती है, क्ले है, उससे उनकी छतों पर जो टालियाँ डाली जाती हैं, तो बैम्बूज़ ऐसा आज भी हिमाचल में आप जाते हैं देखते ही हैं, बैम्बूज़ ऐसे अरेंज करके उन पे टालियाँ टिकाई होती हैं, है ना, टाइल्स, तो वो क्ले से ही बनती हैं टालियाँ, टाइल्स, तो क्ले होती है, उससे ये सारी चीज़ें बन जाती हैं, और जो ईंटें बना करके मिट्टी की थोड़ी धूप में सन बेक्ड उन्हें सजा दू या तो पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं, या फिर हिमाचल में जाएंगे आज भी बाउंड्री वॉल जो लोकलाइट स्टोन्स अवेलेबल होते हैं उनको चिप करके बारीक बारीक परतें उनकी अरेंज की होती हैं के ऊपर एक, तो इस तरह से स्टोन की या तो दीवारें बना लेते हैं, और या तो मिट्टी का ही, या फिर ईंटें जो हैं धूप में पका करके उसमें मिट्टी का गारा लगा करके कमरे बन जाते हैं। सेल्फ सस्टेन्ड विलेज, सारी ज़रूरत की चीज़ें अपने पास हैं, कोई चीज़ के लिए किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? तो एक तरह की ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो सब्सिस्टेंस बेस्ड लाइफ, ये लाइफ सब्सिस्टेंस बेस्ड है, मतलब इसमें गुजारे लायक वस्तुएं उपलब्ध हैं जिनसे आपका खुद का गुजारा होता है, मतलब चीज़ें जो हैं ऐसी कोई सरप्लस नहीं है जिन्हें आप बहुत ज़्यादा बाज़ारों में बेच रहे हों और उसके बदले में कोई पैसा हासिल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। सब्सिस्टेंस हो रहा है, गुजारा हो रहा है, और सारे अपने अपने घर को सस्टेन करा रहे हैं, गांव खुद को सस्टेन करा रहा है। पीपल रिसोर्स होते हैं, ये कैसे समझ आए? इसी गांव में एक परिवार ने ये व्यवस्था की, ये डिसाइड किया, अरेंजमेंट किया और डिसीजन लिया कि हम अपने बच्चे को जो पास का शहर है वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजेंगे। पहले बच्चा बुनियादी एजुकेशन ले रहा था, और फिर जब वो पढ़ लिख करके आया तो उन्होंने डिसाइड किया कि पास के शहर में से पढ़ने लिखने भेजेंगे। वो वहाँ पर पढ़ने गया एग्रीकल्चर की पढ़ाई, तो वो बच्चा जब वहाँ पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने गया, वापस आकर के उसने अपने गांव में कुछ नहीं किया, वो एग्रीकल्चर पढ़ाई कर चुका है, जब वो वापस आया उसने गांव में आकर के अपने किसानों से बातचीत करके उनके जो बहुत ही क्रूड फॉर्म में, बहुत ही बेसिक वर्जन में जो उनके एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स थे, जैसे मेनली प्लॉ शेयर उनका हल और उनके फसल काटने वाले जो टूल्स हैं, उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया। जब उसने उनके एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को मॉडिफाई किया तो वो ज़्यादा गहरा ज़मीन को पलटने लगे, यानी कि जो प्लॉइंग है वो गहरी होने लगी, कम समय में ज़्यादा प्लॉ करने लगे। उसने उनको डिज़ाइन, ऐसी शेप, ऐसा वेट दिया और ऐसे मटेरियल यूज़ किए कि वो ज़्यादा प्लो करते हैं, ज़्यादा टिल करते हैं सॉइल को, इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ी और जल्दी फसल कटती है और बहुत स्पेसिफिक नेचर में कटती है, ज़्यादा किसान की मेहनत नहीं आती है। तो हार्वेस्टिंग, सोइंग एंड थ्रेशिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा स्पेसिफिक हो गई, लेस टाइम कंज्यूमिंग हो गई, ऑपरेशंस क्विक हुए। इसकी वजह से किसान ने दो चीज़ों में फ़र्क देखा। पहला जो उसको फ़र्क नज़र आया इन डिफरेंट स्टाइल के, या पहले से थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड, पहले बहुत क्रूड इम्प्लीमेंट यूज़ करते थे, अब जो वो यूज़ कर रहे हैं द इम्प्लीमेंट्स दे आर वेरी मच रिफाइंड, तो इन रिफाइंड इम्प्लीमेंट्स की मदद से उनको ऐसा महसूस हुआ कि पहला फ़र्क आया, उनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हुई, उनका टाइम सेव हुआ। अब एक तो टाइम सेव हुआ, एक प्रोडक्शन बढ़ी। अब जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आप अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के बाद, आपकी नीड सेटिस्फाई हो गई, अब आप सरप्लस को मार्केट में बेचना चाहेंगे, नो मतलब यू हैव सरप्लस क्रॉप्स। ऐसे में जब किसानों ने ये देखा कि इस लड़के ने इस नॉलेज के जिस नॉलेज को ये शहर से लेके आया, उसके बेस पर हमारी प्रोडक्शन को इम्पैक्ट किया पॉजिटिव मैनर में, हमारे टाइम को सेव किया है, जिससे हमारी जो ज़रूरतें हैं पूरी हो गई, उसके बाद हमारे पास सरप्लस बचा,
इसे बेच करके हमने शहरों से वो ख़रीदा, जैसे आगे समय के लिए कुछ और इम्प्लीमेंट्स खरीदे या फिर कुछ कंटेनर्स खरीदे या अपनी एग्रीकल्चर को बेटर सपोर्ट करने के लिए चीज़ें, या अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स ले ली। कि मतलब हमारी लाइफ पहले से बेटर हुई, इसका मतलब हमें गांव में व्यवस्था करनी चाहिए कि कुछ और लड़के भी ये सीख सकें, कर सकें इसी से। तो एक तरह का सिस्टम ऑफ एग्रो इंजीनियरिंग, एग्रो इंजीनियरिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया उन्होंने, कि बाकी लड़कों की ड्यूटी लगाई कि आपको इससे ये सीखना है और हमें ये गांव के सभी किसानों तक पहुंचाना है। वी हैव टू डू दिस। तो अब तक हमने गांव में एग्रो इंजीनियरिंग नहीं सुना था, पर अब हम उस गांव में एग्रो इंजीनियरिंग टर्म सुन रहे हैं, लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और इस स्किल को सीख रहे हैं। तो एक स्किल एंटर कर गया है, वो इसे सीख रहे हैं, मतलब लोगों की इस पर्टिकुलर स्किल में ट्रेनिंग हो रही है। और वो जो पहला लड़का है वो ट्रेनर बना है, वो ट्रेनिंग इम्पार्ट करता है, स्किल सेट डेवलप करता है लोगों में और वो ये चीज़ सीखते हैं। और इसकी मदद से तमाम पूरे गांव में एक बदलाव आया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ओवरऑल पूरे विलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया और वो क्रॉप आज वो बाहर बेच सकते हैं बाज़ारों में। दे हैव सरप्लस क्रॉप्स फर्स्ट, दे हैव मल्टीपल क्रॉप्स दिस द सेकेंड थिंग, मल्टीपल क्रॉप्स, एक से ज़्यादा फसलें हैं क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोसेस टाइम में कंक्लूड होने लगा है, तो वो ज़्यादा फसलें निकाल रहे हैं पहले के मुकाबले। फर्टिलिटी जो है वो ये होता है कि पहले क्या होता था, ये फसल लगाते थे, सॉइल की टॉप लेयर के न्यूट्रिएंट्स फसल एब्जॉर्ब कर लेती थी, कंज्यूम कर लेती थी, और उनके पुराने क्रूड प्लोशेयर की मदद से, जो पुराना उनका हल था उससे वो ज़्यादा गहरा नहीं मिट्टी को टिल कर पाते थे, तो इसलिए न्यूट्रिएंट्स उनको जल्दी नहीं मिलते थे, उन्हें न्यूट्रिएंट्स रिस्टोर होने के लिए ज़मीन को खाली छोड़ना पड़ता था, फैलो लैंड कहते हैं इसको। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत ज़्यादा गहराई में ज़मीन पलटाई जाती है, प्लोशेयर बहुत गहरा चलता है और इतना गहरा ज़मीन को फाड़ता है, इसके तहत जो नीचे न्यूट्रिएंट्स लॉक्ड हैं वो पलट के ऊपर आते हैं, तो कंटिन्यूटी में सॉइल यूटिलाइज़ की जा सकती है। इस तरह से साल में दो फसलें तो कम से कम निकाल ही सकते हैं, तीन फसलें भी आप निकालेंगे, आई बात समझ में, और टाइमली ऑपरेशंस मैनेज करेंगे। इसकी मदद से ज़्यादा फसलें होगी, फसलों में मात्रा ज़्यादा हुई, यील्ड बढ़ी और सरप्लस हुआ और कई तरह की सुविधाएं उन्होंने फेच की। इन पैसों की मदद से उन्होंने सपोर्ट किया इरीगेशन को। अब उनकी खेती मात्र वर्षा पर आधारित नहीं है, उन्होंने नए कुएं खुदवाए, पैसा आया, कुएं खुदवाए और पैसे ही के दम पर उन्होंने डीजल सेट बेस्ड पंप सेट्स रखवाए जिससे पानी ज़मीन से निकाला जा सके। मतलब पहले पानी मैन्युअली लिफ्ट करते थे, अब पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मोटर बेस्ड लिफ्टिंग हो गई। इससे फसलें और डाइवर्स हुई और क्रॉपिंग साइकिल और मल्टीपल हुआ और इंटेंस क्रॉपिंग हुई, आमदनी और बढ़ी। जब गांव वालों ने ये देखा कि एक इस बदलाव से हमारे जीवन में इतना बदलाव आया, तो उन्होंने एक और बदलाव लाया। वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो नया कल्चर डेवलप हुआ है कि हमारे गांव के युवा इनोवेटिव हुए हैं, वो इम्प्लीमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं और वो नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये सभी करें और केवल लड़के नहीं लड़कियाँ भी करें। तो फिर उन्होंने प्रयास किया और पंचायत से बातचीत की और पंचायत ने सरकार से बातचीत करके स्कूल ओपन कर लिया। अब उन्होंने एजुकेशन को विलेज में परमानेंट कर दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल दोनों ओपन किए ताकि शुरू से ही पढ़ाई इम्पार्ट की जाए, स्टडी दी जाए उनको और फिर वो सारे आगे की पढ़ाई के लिए या वोकेशनल कोर्सेज के लिए बगल के शहर में जाएंगे। जब ये ट्रेंड आया तो फिर धीरे धीरे युवाओं ने, लड़कियों ने और लड़कों ने दोनों ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद उन्होंने गांव पास के शहर में जाना चुना और कुछ ने वोकेशनल स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशंस की तरफ, को ट्रेनिंग कोर्सेज की तरफ जाना शुरू किया। इसकी मदद से ये होने लगा कि एक टेम्परामेंट ऑफ साइंस, एक टेम्परामेंट ऑफ इनोवेशन, टेम्परामेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट सोसाइटी में पेनिट्रेट हुआ। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा, उनके मन में ये विचार आया कि लड़कियों को हम कैसे अपने उपयोगी बना सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि क्यों नहीं हम लड़कियों को भी ट्रेनिंग इम्पार्ट करें
और उस ट्रेनिंग में ये माना गया कि उनकी कुछ वर्कशॉप्स लगाई जाएं और उन्हें टेलरिंग का कोर्स करवाया जाए। अब वो टेलरिंग का कोर्स करवाने लगे उन्हें, तो लड़कियों ने जब टेलरिंग का कोर्स कर लिया, अब वो लड़कियां टेलर वर्क में एक स्किल्ड हो चुकी हैं और वो अब सिर्फ अपने घर के कपड़े नहीं सिल रही हैं, अब वो ऑर्डर्स फुलफ़िल कर रही हैं जो उनके गाँव के, पास के गाँव के, छोटे कस्बे से या बड़े शहर से उनके पास आ रहे हैं। इसके लिए उन्हें मशीन्स की ज़रूरत है और वो मशीन्स खरीद रहे हैं, मशीन्स आ रही हैं उस गांव में, मशीन आ रही हैं तो उस गांव में व्यापारी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उस गांव में ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स वहां से बनने के बाद ले जाए जा रहे हैं। तो उस गांव का जब सराउंडिंग सोसाइटी से संबंध बना तो एक चीज़ और क्रिएट हुई, और वो चीज़ ये है कि ये सब चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का विकास हुआ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का विकास हुआ। जब आपने टेलरिंग की ट्रेनिंग की बात की, जब आपने एग्रीकल्चरल स्किल्स की बात की और जब आपने स्कूल्स की बात की, तो आपको एक सेक्शन की नीड फील हुई जिसको हम कहेंगे द टीचर्स, और परमानेंट टीचर्स या तो गांव से ही खड़े किए जाएंगे या आसपास के इलाके से लाए जाएंगे या शहरों से लाए जाएंगे। मेन कहानी क्या थी, एक गांव था जिस गांव के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड वही था जो पहले था, कोई फर्क नहीं आया, उस गांव में लेबर वही थी जो पहले थी, कुछ फर्क नहीं आया, उस गांव में कैपिटल वही था जो पहले था, जो इम्प्लीमेंट्स थे क्रूड नेचर के थे, चाहे वो टूल्स थे, मशीन्स थी, जो उनकी बिल्डिंग्स थी वही थी, जो उनके पास रॉ मटेरियल था वो वही था, यार्न था या जो भी था, वट एवर दे है, वो वही था। एक बदलाव आया, उस गांव में एक लड़का था जिसे मैं पीपल कहूँगा, उस लड़के ने नॉलेज एंड ट्रेनिंग, नॉलेज एंड ट्रेनिंग गेन की, और इसकी मदद से वो लड़का स्किल्ड हुआ, और वो स्किल्ड लड़का जब अपने गांव में आया, उसने सेम लैंड से ही एक तो ज़्यादा यील्ड निकलवाई और नंबर ऑफ क्रॉप्स ज़्यादा निकलवाई, मतलब उस लड़के ने सेम लैंड से ही प्रोडक्शन बढ़ाई। सेम लेबर जो है पहले उस लैंड पे यूज़ होती थी ये क्रॉप उगाने के लिए, उस लेबर की एफिशिएंसी, उस लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, उस लेबर की रेमुनरेशन बढ़ी, ज़्यादा फसल पैदा हो रही है, ज़्यादा आमदनी भी होगी, रेमुनरेशन इंक्रीज हुआ। सेम कैपिटल है, उस कैपिटल को मॉडिफाई किया, सेम ही बीज लग रहा है, सब कुछ सेम लग रहा है, उस कैपिटल को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके उसका बेटर यूज़ लेना शुरू किया, उसी से ज़्यादा बेहतर लैंड यूज़ किया, उसी से ज़्यादा बेहतर लेबर यूज़ की। ऑल द अदर रिसोर्सेज दे आर समवट सेम, बट एक चीज़ में बदलाव आने से ये सारे रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज हुए फॉर द पर्पज़ ऑफ द प्रोडक्शन। आपने इनको बेटर यूटिलाइज किया, और ये किसके दम पर हुआ, क्योंकि आपने ये जो पीपल है इसको आपने नॉलेज दी, इसको आपने ट्रेनिंग दी, और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके लिए ज़रूरी है, ये सब कुछ तभी कर पाएगा अगर ये सेहतमंद होगा, तो अगर ये क्लासेस लगा पाता। तो आपको मैं दो स्टूडेंट्स दूंगा, अगर दो स्टूडेंट में से एक और 20 दिन का समय दूंगा, जो स्टूडेंट हेल्दी है बॉडी वाइज, उसकी क्लास रेगुलरिटी, उसकी लेक्चर अटेंडेंस रेगुलरिटी घर पे, और उसकी असाइनमेंट्स की रेगुलरिटी और परफॉर्मेंस की रेगुलरिटी, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखो, मतलब ये ना होगी वो आवारागर्दी में डूबा हुआ है उसको छोड़ो, उस बच्चे के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगी जो बच्चा इलनेस और सिकनेस से ग्रसित है। उसका एब्सेंटिज्म बढ़ेगा,
उसकी लैक ऑफ अटेंडेंस बढ़ेगी, कंसंट्रेशन कॉम्प्रोमाइज होगी, उसकी परफॉर्मेंस गिरेगी। तो दोनों के लिए सेम टीचर है, सेम इंस्टीट्यूशन है, सेम पैसा लगा है, लेकिन एक ने लाभ बहुत कमाना है दूसरे के मुकाबले, क्योंकि वो ये जो है उस दूसरे से फिट है, हेल्दी है। तो सेहत, हेल्थ, जब हमने इस लड़के को, इस पीपल को ये तीन चीज़ें, नॉलेज, ट्रेनिंग, हेल्थ इम्पार्ट की, ये कन्वर्ट हुआ एक रिसोर्स में, और दैट रिसोर्स इज नॉट द फिक्स्ड कैपिटल, इट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स। यू कैन यूटिलाइज ह्यूमन एज अ रिसोर्स, एंड दिस इज द ह्यूमन विच इज़ वर्किंग एज अ रिसोर्स, ओके। एंड देन दिस ह्यूमन रिसोर्स इज फुल ऑफ अ स्टॉक ऑफ, ये किस स्टॉक से भरा हुआ है? स्टॉक ऑफ स्किल, स्टॉक ऑफ नॉलेज। ह्यूमन में जब नॉलेज का, स्किल का स्टॉक भरा होता है, तब वो ह्यूमन रिसोर्स बतौर ह्यूमन कैपिटल वर्क करता है। और ये था हमारे पिछले लेक्चर के प्रोडक्शन के चार फैक्टर्स में से चौथा फैक्टर, द ह्यूमन कैपिटल। हमने तीन रिसोर्सेज पढ़े थे, लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल, एंड द फोर्थ वन वाज द ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल वाज द नॉलेज, द एंटरप्राइज, द एंटरप्रेन्योरशिप, दैट एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड, दैट एंटरप्राइजिंग कैरेक्टर, दैट बिहेवियर इज टू इनोवेट, टू इम्बाइब न्यू नॉलेज, टू डू रिसर्च, टू डेवलप, टू रिमेन कंटेम्प्रेरी, टू लर्न, टू ग्रो, एंड टू यूटिलाइज ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल द रिसोर्सेज मोस्ट जुडिशियसली, ऑप्टिमली एंड इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन to the maximum possible extent. That human capital, that enterprising attitude can do this. Enterprising behavior can do this. And what is the basis of becoming human capital? Human capital banne ka basis kya hai? Human resource banne ka basis kya hai? Knowledge, training, skill and the health. हमने कुछ नहीं बदला उस गांव में, लेकिन गांव की नुहार बदल गई, गांव बदल गया सारा का सारा। एक चीज़ हुई बस, वो थी उस लड़के ने नॉलेज ली, वो स्किल्ड हुआ, और सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। ओके, दैट इज़ ऑल। ऐसे ही लाइफ चलती है, सब कुछ ऐसे ही तो होता है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने अपने सराउंडिंग में भी ऐसे उदाहरण बहुत देखे होंगे, अभी डिस्कस करते हैं। आप अक्सर एक बात सुनते रहते हैं, और वो बात ये सुनते हैं कि रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया, सब्जी वाले की बेटी ने मेडिकल निकाल दिया, है ना, नीट निकाल दिया, और मतलब अक्सर सुनते रहते हैं कि झोपड़ी में रहने वाले ने JEE क्रैक कर दिया, IIT निकाल दिया। ये जो आप सुनते रहते हैं, कहना क्या चाहते हैं आप? इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि इनके दिन बदल गए, दिन बदल गए, ज़माना बदल गया। दिन बदल गए से आपका मतलब क्या? आप ये कहना चाहते हैं कि आज के बाद अब ये व्यक्ति इस धरती पर जितनी भी बेहतरीन सुख सुविधाएँ हैं, ये उन्हें भोगेगा, पाएगा। इसकी लाइफ अच्छी हो गई, दिन बदल के सुख सुविधाएं, हुआ क्या है आखिर में? हुआ ये है कि रिक्शे वाले का बच्चा जब IAS निकाल जा रहा है, सब्जी वाले का बच्चा जब नीट निकाल रहा है, झोपड़ी वाले का बच्चा जब IIT निकाल रहा है, ये दो तो चले गए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल, और ये चला गया फॉर द पर्पस ऑफ जॉब, दैट इज इन सर्विसेज। तीनों के केस में अगर देखें तो तीनों वही हैं, दे ऑल थ्री आर सेम, कुछ बदलाव नहीं आया है, सिर्फ एक बदलाव के, और वो बदलाव क्या आया है? द ओनली चेंज इज द चेंज इन
देयर नॉलेज, देयर स्किल सेट, देयर ट्रेनिंग, जिसने उनका स्टेटस चेंज कर दिया पूरी तरह से, जिसने उनका स्टेटस चेंज कर दिया पूरी तरह से। और ये स्टेटस चेंज क्या हुआ है, ये जो जिसने नीट क्लियर किया है, जिसने आईआईटी क्लियर किया है, आने वाले समय में सोसाइटी के लिए ये एसेट बनने वाले हैं। सोसाइटी ने एसेट कंसीडर कर रही है, क्यों? क्योंकि ये पर्सन जिसने नीट क्लियर किया है, ये लड़की ने, ये लड़की हर उस तरह की नॉलेज से, स्किल से, ट्रेनिंग से लैस होगी, जिससे समाज खुद को बीमारियों से दूर रख सके, बीमारियों का इलाज पा सके, ठीक हो सके। उन फील्ड में रिसर्च करना, इनोवेट करना, उन ट्रीटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, ये सारी जिम्मेदारी एक इंसान की है, और वो इस मामले में मास्टर है अब। और समाज को इसकी ज़रूरत है, क्या समाज को इसकी ज़रूरत नहीं? क्या समाज नहीं चाहता कि उसकी बीमारियों का इलाज हो? तो बीमारियों का इलाज कैसे होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बीमारियों का इलाज होता है राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड द मेडिसिन, राइट डायग्नोस्टिक सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिसिन, कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, नॉलेज ऑफ द केमिकल्स एंड द राइट डायग्नोस्टिक्स। ये सब किस फील्ड का काम है? ये सब काम है इनोवेशन का, रिसर्च का, ट्रेनिंग का, एजुकेशन का, डेवलपमेंट का, ऑब्जर्वेशन का, एक्सपेरिमेंटेशन का। ये सब इस क्षेत्र में जाता है। और ये सारे क्षेत्रों में जब हम काम करते हैं, तो हम हमारे सराउंडिंग में जो एग्जिस्टिंग, हमारे सराउंडिंग में जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे सराउंडिंग में जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है, यानी कि हमारे सराउंडिंग में नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति में जो पोटेंशियल है, हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। और जब हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम वेज फाइंड आउट करते हैं। किस चीज़ के वेज फाइंड आउट करते हैं? कि हम इस पोटेंशियल को कैसे बेटरमेंट ऑफ द पीपल की डायरेक्शन में चैनलाइज करें। हाउ कैन वी हार्नेस दैट पोटेंशियल ऑफ दैट सराउंडिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। यही चीज़ें हमें नई नई चीज़ें बनाने के लिए मोटिवेट करती है, यानी कि हम इनोवेशन के रास्ते पर चलते हैं, हम नई नई चीज़ें बनाते हैं, तो उसी से आपका जीवन बेहतर होता है, उसी से आपका जीवन बेहतर हुआ। तो जिस ज्ञान ने, जिस व्यक्ति ने आपका जीवन बेहतर किया, तो वो क्या आपके लिए कोई संसाधन नहीं हुआ? क्या वो आपके लिए कोई रिसोर्स नहीं है? क्या वो आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? द आंसर इज कि वो व्यक्ति आपके लिए एसेट है। उदाहरण के तौर पर, इस पृथ्वी पर हमेशा से माउंटेन थे, मान लीजिए, और उन माउंटेन से गिरने वाले वाटरफॉल भी हमेशा से ही थे, दोनों चीज़ें थी। पर आपके जीवन में बिजली नहीं थी, हजारों वर्ष आपके जीवन इस पृथ्वी पर सभ्यताओं में, 5,000-6,000 साल की अगर मैं सभ्यताओं का समय अब तक मान लूं, कोई पहाड़ में आप जिए, आपके पुरखे जिए, उसी झरने के नीचे जिए, उसी नदी के बगल में जिए, सिंधु घाटी सभ्यता आपके पुरखे, हम पंजाब में रहते हैं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर रोपड़ है, संघोल है, हमारे पूर्वज यहीं जिए, बिना बिजली के जिए, आप वहीं जी रहे हैं, बिजली के साथ जी रहे हैं, तो देखिए ज़मीन तो वही है, पहाड़ वही है, नदी वही है, झरना वही है, सारे रिसोर्सेज तो वही हैं। फिर टाइम के साथ अगर टाइम स्केल पे कोई चेंज आया, तो वो क्या चेंज आया? टाइम स्केल पे ये चेंज आया कि इस पहाड़ से, इस बिजली से, और पहाड़ से, इस पहाड़ से, इस पानी से, और पहाड़ से गति के साथ गिरते हुए इस पानी से, किसी व्यक्ति ने ये विचार किया कि टर्बाइन घुमा के बिजली पैदा की जा सकती है, और उस बिजली से इंसान का जीवन बहुत सहज हो जाएगा। सारा दिन उसे कुएं से पानी निकालना पड़ता है रस्सी की मदद से, अगर उसका ये काम कोई और कर दे, जैसे कि कोई मशीन, कोई टूल,
तो वो फ्री हो जाएगा इस जगह से, एक तो वो जीवन बेहतर जी पाएगा, अपने लिए समय ज़्यादा निकाल पाएगा, सोच पाएगा, विचार कर पाएगा और इनोवेट कर पाएगा, और दूसरा प्रगति की ओर बढ़ेंगे हम सारे, हम अपनी एनर्जी को बेटर चैनलाइज कर सकते हैं जैसा उन गांव के लोगों ने किया। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब खेती से फ्री हुए, क्योंकि खेती में समय कम लगने लगा, फिर डाइवर्सिटी ऑफ वर्क आ गया उस काम में, उस गांव में, इससे क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर अच्छा हो गया, कपड़े बनाने वाले एक्सपर्ट हो गए, तो अब आम कपड़ा कोई बना भी नहीं रहा तो कोई ख़रीद भी नहीं रहा, तो फिर आपको अपना ही कपड़ा खुद नहीं बनाना, अपना ही अनाज खुद नहीं उगाना, अपना ही घर खुद नहीं बनाना, एक्सपर्ट्स आ जाएंगे तो आपके पास कितना समय बचेगा। आप उस बचे हुए समय को जो भी प्रोफेशन आपने पकड़ा है उसे एनरिच करने में लगा सकते हैं, और इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज डे बाय डे बेटर क्वालिटी को अचीव करती जाएंगी, क्योंकि यू हैव ऑल द एनर्जी, थिंकिंग, टाइम एंड ऑब्जेक्टिव टू अटेन बेटरमेंट इन टू द प्रोफेशन दैट यू आर प्रोफेसिंग। इसी तरह से धरती पर डिवीजन ऑफ लेबर के कॉन्सेप्ट के वाया सेंटर्स ऑफ परफेक्शंस क्रिएट होते हैं, और जब सेंटर्स ऑफ परफेक्शंस क्रिएट होते हैं तभी गुड्स एंड सर्विसेज परफेक्ट होती हैं, और जब गुड्स एंड सर्विसेज परफेक्ट होती हैं तभी गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज का मीडियम इस्टेब्लिश होता है, क्योंकि परफेक्ट चीज़ तो किसी एक जगह से ही जानी जाती है, तभी फिर उसकी मांग दूसरी जगह पर और दूसरी चीज़ की मांग एक जगह पर की जाती है। जैसे चाइनीज़ लोगों ने परफेक्ट किया आर्ट ऑफ सिरेमिक, तो उनका सिरेमिक बोन चाइना पूरी दुनिया में मांगा जाता है, ट्रेड होता है। ऐसे ही इंडियंस ने परफेक्ट किया आर्ट ऑफ हैंड टूल मेकिंग, तो इंडिया का आप जलंधर में, जलंधर हैंड टूल्स का हब है और जलंधर स्पोर्ट्स का हब भी है, तो हमारी आर्ट ऑफ स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स गुड्स एंड आर्ट ऑफ हैंड टूल गुड्स ये परफेक्ट है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है, क्योंकि हम अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज और अपनी एनर्जी चैनलाइज कर पाए इस तरफ, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं करना था, हमें वही करना था और हमने उसको समय दिया, और जब आपके पास पर्याप्त समय होगा आप उसे एनरिच कर पाएंगे। इस तरह से परफेक्ट गुड, परफेक्ट सर्विसेज क्रिएट होती हैं, मतलब एनरिच्ड गुड्स एंड एनरिच्ड सर्विसेज पैदा होती हैं, और ऐसे में विश्व जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में बढ़ जाता है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग परफेक्ट चीज़ें बन रही हैं, और दुनिया भर में फिर उन चीज़ों का एक्सचेंज इस्टेब्लिश होता है, जो आधार बनता है ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का, है कि नहीं। आज आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप कोई सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मोबाइल बना रहे हैं, घटिया क्वालिटी का, तो क्या आपके देश में उसे कंज्यूम करा पाओगे, आपकी फैक्ट्रियां वो करवा पाएंगी? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जनता को बेहतरीन मोबाइल चाहिए, और वो आ रहा है अमेरिका से, वो आ रहा है साउथ कोरिया से, आपको वो चाहिए, और वो उस चीज़ में परफेक्ट हुए हैं इसलिए चाहिए। लेकिन आप लोग कॉटन टेक्सटाइल में परफेक्ट हुए हैं तो आपका जा रहा है दुनिया भर में वो, तो पूरी दुनिया में इस तरह से चीज़ें, मतलब मार्केट्स ऐसे खड़ी होती हैं। अब गांव के लेवल पे खड़ी करो, गांव और शहर के बीच में खड़ी करो, दो राज्यों में खड़ी कर लो, या देश से देश के बीच में खड़ी कर लो, बाज़ार ऐसे खड़े होते हैं, क्योंकि चीज़ें परफेक्ट की जाती हैं, और चीज़ें परफेक्ट करने के लिए उन चीज़ों में एक कंटिन्यूस इनोवेशन लाना पड़ता है, उन्हें एनरिच करना पड़ता है, उन्हें हर मामले में हमें बेस्ट इन द कंटेम्प्रेरीज बनाना पड़ता है, और चीज़ें तभी बेहतरीन होती हैं जब वो हर तरह की ज़रूरत को सर्व कर दें समाज की, वो रेलेवेंट होनी चाहिए ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे में विचार, देखिए वही सराउंडिंग है, वही पर्वत, वही झरना, उसी सराउंडिंग के पोटेंशियल को किसने ने हार्नेस करना सीख लिया, और उसी पर पोटेंशियल को हार्नेस किया तो बिजली बना ली, और उससे आप सबका जीवन बदल गया। ये कैसे हुआ, ये कौन कर पाया? ये वो कर पाया जिसने सराउंडिंग को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया कि कैसे काम करती हैं अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग एनर्जीज, ये कैसे वर्क करती हैं, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में कोई रिश्ता है। उसने स्टडी किया इसे कि क्या मैग्नेट्स के बीच में अगर किसी चीज़ को घुमाया जाए, या किन्हीं मैग्नेट्स के बीच में अगर वायर्स को घुमाया जाए किसी टर्बाइन नुमा चीज़ में, तो क्या कोई अंतर पड़ता है। ये सब चीज़ें जब स्टडी की जाती हैं तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ें, मतलब दिस इज़ द कल्चरल प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी, और ये कल्चरल प्रोग्रेस में पावर होती है
सोसाइटी को एक नॉच हायर सिविलाइजेशन बनाने की, इसलिए सोसाइटी डिसाइड करती है कि आज से हम हमारे सोसाइटी के सभी इम्पॉर्टेंट मेंबर्स, जो मेंबर्स के ऊपर जिम्मेदारी है नॉलेज को इम्बाइब करने की, उन्हें ये नॉलेज एज अ सिलेबस इम्पार्ट करेंगे कि उन्हें पता लगे कि बिजली कैसे बनती है। इस तरह से सिविलाइजेशंस बेटर होती हैं अपनी कल्चरल डेवलपमेंट के बेस पर। ओके, दैट्स ऑल। तो इंसान तो इंसान ही है, लेकिन क्या हम अगर इसी तरह से ज़िंदगी जीते रहें कि ये लैंड है और इस लैंड पर अनाज उगता है और हम खाते हैं, कहानी ख़त्म? ना, वो पहला समाज जिसने विज्ञान के रूप में बैठ करके देखा, बैठ के ऑब्ज़र्व किया कि ग्रेन्स उगती कैसे हैं, उसने ऑब्ज़र्व किया कि पहले एक पौधा बना, पौधे के ऊपर झाड़ आया, दाने आए, फिर वो दाने गिर गए, पौधा ख़त्म हुआ, उन दानों से फिर पौधा बना। मतलब एक ही ज़मीन पर रिपीटेटिव साइकिल्स में इन दानों की मदद से अनाज उगाया जा सकता है, तो क्यों ना जितने हमें खाने उतने रख के बाकी कुछ बचा के फिर से अनाज उगा लें। ये ऑब्जर्वेशन, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस ऑब्जर्वेशन ये बेसिस बनी सेटल्ड लाइफ का। इंसान नोमैडिक से, हंटर गैदरर से एक सेटल्ड विलेज लाइफ में इस ऑब्जर्वेशन के दम पर आया कि उसने ऑब्जर्व किया कि देर आर मैनी टाइप ऑफ ग्रासेस और उन ग्रासेस में से ये कुछ हैं जिन पर इस तरह के कुछ दाने आते हैं, ये ज़मीन में गिरते हैं, चुभते हैं, फिर नई फसल आ जाती है, ये क्या? तो क्या हम इसे कर सकते हैं अगेन एंड अगेन? जब इंसान ने ये कला सीखी कि मैं ये कर सकता हूँ अगेन अगेन, तो ये कल्चर एग्री कल्चर हुआ। जब एक प्लॉट ऑफ लैंड पे एक ही तरह की फसल उगाने की संस्कृति आपको पता चल जाती है, ये संस्कृति एग्रीकल्चर कहलाती है इंग्लिश में, इट्स अ कल्चर। सो इट वॉज द कल्चरल डेवलपमेंट, दैट आर्ट ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप्स अगेन एंड अगेन ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ द सीड्स, एंड यू विल हैव राउंड द ईयर फूड एट अ सिंगल प्लेस। एक ही जगह पर सारा साल अनाज मिलेगा आपको। अनाज के लिए नदी नदी, घाट घाट, पहाड़ पहाड़ घूमने की ज़रूरत नहीं है। मौसम बदलने के साथ साथ जगह जगह भागने की ज़रूरत नहीं, यहीं बैठो, यहीं मिलेगा सब कुछ। सो स्टे सेटल्ड ओवर देयर। समाज टिका, सेटल हुआ। अब जब सेटल हो गया एक जगह, तो एक ही ज़मीन है, एक ही नदी है, एक ही तालाब है, सारा साल उसका पानी इस्तेमाल करना है, और कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, खेती के लिए पानी चाहिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी चाहिए, जीव जंतु पशुओं के लिए पानी चाहिए। इसके लिए फिर नियम बनाए कि पानी कौन कितना ले सकता है, पानी दूषित नहीं करना है, वनस्पति को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना। तो जब आदमी सेटल्ड हुआ, रूल रेगुलेशंस स्ट्रांग हुए, एग्जिस्टेंस में आए, इस तरह से समाज ने खुद के लिए जब एक कोड बनाया, लॉ एंड ऑर्डर बनाना शुरू किया, ये राजनीतिक व्यवस्था हुई। धीरे धीरे पॉलिटिकल अरेंजमेंट आ गए ताकि ये कल्चर आगे भी चलता रहे। देखो, एक क्लास है स्कूल में और उस क्लास का एक कल्चर है, और कल्चर है चुप रहो, साइलेंट रखो जब पढ़ा रहे हो, ये कल्चर है ना उस क्लास का, जिसके दम पे क्लास का एक्टिविटी परफॉर्म हो पा रही। इस कल्चर को अगली अगली बच्चों के लिए, जो हर बार नए बच्चे आ रहे हैं उस क्लास में, कंटिन्यूअस बनाने के लिए नियम तो बनाना पड़ेगा ना, कि चुप नहीं रहे तो क्लास से या तो बाहर या पेनल्टी लगेगी बेटे। मतलब कोई तो लॉ फोर्स चाहिए, पॉलिटिक्स चाहिए कल्चर को कंटिन्यू कराने के लिए, कोई तो राजसत्ता चाहिए, कोई तो नियम कानून चाहिए, वरना कल्चर तो तबाह हो जाएगा, आगे कैसे बढ़ेगा, कौन बढ़वाएगा? ओके, तो ये दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन ने धीरे धीरे नई नई चीज़ों को जन्म देना शुरू किया। अब किसान ने देखा कि अगर ये बीज खुद गिरा था, खुद गिरा, पहले ज़मीन में गया, धंसा, कुछ हुआ नहीं, अगर छोटे छोटे खड्डे करके हम जल्दी से डाल दें,